नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेरियस टॉपिक्स। सो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं किस तरह से जो हमारा जो बैकबोन हमने फाइबर केबल पे पूरा प्लान किया था, किस तरह से वो फाइबर केबल को ड्रेसिंग करते हैं और किस तरह से उसकी पूरी टर्मिनेशन होती है LIU के अंदर। और फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो हमारा बैकबोन है और हमारा जो नॉर्मल कैट सिक्स का जो स्विचेस है उनके बीच में किस तरह से कम्युनिकेट करवाया जाता है और किस तरह से आपस में इनका पूरा नेटवर्क का जो है सीमलेसली जो इंटीग्रेशन किया जाता है। सो एज यू कैन सी कि अभी ये पूरा रैक जो है वो पूरा का पूरा खाली है। तो हमने क्या किया है, ये सारी जो फाइबर केबल्स जो आ रही हैं ये पूरी की पूरी एक बार एक लेंथ लेके उसको कट कर लिया है और पीछे साइड में अच्छे से इसको ड्रेसिंग करने के लिए टाई जो मार के जो रैक के साथ में उसको अच्छे से हमारे लेंथ जितनी रिक्वायर्ड है उसको कर लिया है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है हमारे इसके स्लाइसिंग करी जाती है। तो चलिए देखते हैं। सो एज यू कैन सी कि हमने ये जो है केबल जो रॉड केबल थी उसमें से निकाल लिया है। तो ये इसके अंदर हमारी जो केबल है वो सिक्स कोर केबल है। मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको आगे स्लाइसिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कि अभी जो हमारी जो फाइबर केबल्स हमने निकाली थी उसको अच्छे से हमारा LIU के अंदर उसको टाई कर दे रहे हैं ताकि ये केबल अगर इस तरह से कोई खींचे या फिर किसी वजह से खिंच जाए तो वो निकले नहीं, और अगर निकल जाएगी तो क्योंकि फाइबर केबल जो होती है वो अंदर बहुत ही सॉफ्ट होती है तो वो सब ब्रेक हो जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो हम हैं अच्छे से इसको पहले LIU के अंदर इसको टाई कर देते हैं। तो आप देखिए किस तरह से इसका आगे पूरा का पूरा होता है कंप्लीट स्लाइसिंग। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इसको पहले स्लाइसिंग करने से पहले इस पे टैगिंग कर दी गई है कौन सी पिट जो है वो कौन से नंबर की है, मतलब कौन सी केबल को हम कौन सी केबल से कनेक्ट करने वाले हैं। उसको नंबर वाइज हमने जो है पूरे इसको नंबरिंग कर दिया है ताकि बाद में लगाने के बाद आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। तो ये है स्प्लाइसिंग मशीन जिसके थ्रू हम जो है फाइबर की केबल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, स्प्लाइस करके कनेक्टिविटी करेंगे। ये हमारे सिस्टम साइड की रहती है, मतलब जो हमारे LIU में बाहर साइड में आउटपुट में आनी है ये वो है केबल है। और ये जो केबल आप देख रहे हैं तो ये केबल जो हमारी फील्ड साइड से आई हुई है जो हमारे की फ्लोर पे जा रही है।
सो फ्रेंड्स, अभी जो हमारी स्प्लाइसिंग थी मशीन के साथ वो तो पूरी हो चुकी है। अभी ये जो केबल्स हमने जोड़ी हैं, अब इन दोनों ये सारी केबल्स को प्रॉपर ड्रेसिंग करके हम इस LIU के अंदर जो है प्रॉपर टाई वगैरह करके उसको रखेंगे और साथ ही साथ उसका जो आगे का पिच है उसको पूरा आगे इंस्टॉल करेंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये पूरा प्रॉपर तरीके से इसकी ड्रेसिंग होती है और किस तरह से इसका जो आगे इसको LIU में सेट किया जाता है। जब इस तरह के प्रोजेक्ट करते हुए आपको टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब लेट नाइट हो जाता है, तो कुछ इस तरह का फास्ट फूड मंगा के उसमें ज़रूर थोड़ी सी छोटी पार्टी टाइप करनी पड़ती है। बहुत ज़रूरी है, क्या बोलते हो? ये बहुत ही सही बात बोली सर आपने। जब प्रोजेक्ट में हम लेट हो जाते हैं तो इस तरीके का कुछ स्नैक बुला के एक पार्टी करना चाहिए, उससे टीम के साथ में काम करने की एक फील अच्छी आती है। और नए प्रोजेक्ट्स में नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में और नए नए चैलेंजेस लेने में जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं है। बहुत ही असम मजा आता है बिल्कुल कि नई टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना, पूरे नेटवर्क को इस तरीके से आपको पंच करना और पूरे मतलब आपके आने वाले जो IT के बंदे रहेंगे उनको 3 साल तक के 4 साल तक के कुछ नहीं देखना पड़े, ऐसा काम करना बहुत।